अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई एम बिलाल लतीफ़, वेलकम बैक माई चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम आपको लंपी वायरस के बारे में मज़ीद बताएंगे। पहले भी हमने एक दो वीडियो रिकॉर्ड की है, लंपी वायरस के बारे में आपको बताया है। आज हम बाकायदा प्रैक्टिकल करवाएंगे, आप छोटे से फार्म का विज़िट करवाएंगे। इस वीडियो के मैं सिर्फ आपको हम मेडिसिन के बारे में बताने लगे हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको ले चलेंगे फार्म की तरफ, जहाँ एक लंपी वायरस से जो एक मुतासर गाय थी उसको काफ़ी हद तक आराम आ चुका है, सेजाब हो चुकी है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की थी। इसके लिए हमने सबसे पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल की थी वो मेप्रासिम के नाम से एक मेडिसिन है, वो इस्तेमाल की थी। ये एविल का फार्मूला है, ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। उसके बाद कीटोजेक्ट, जो बुखार के लिए जानवरों को आमतौर पर लगाई जाती है, वो इस्तेमाल की थी। उसके बाद लिसपायरासिन एक है मेडिसिन, ये इस्तेमाल की थी, ये एंटीबायोटिक है। और उसके बाद फेनरासिम, ये भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। ये हमने ये चार मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, जिससे दो तीन दिन में जानवर को काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। ये सारी मेडिसिन आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं। चले अब हम चलते हैं हमारे फार्म की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक माई चैनल आप 23। जैसा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि लंपी वायरस के बारे में हमें एक प्रैक्टिकल करके दिखाएं या किसी फार्म का विजिट करके दिखाएं जहाँ पे कोई लंपी वायरस से शिकार कोई गाय हो, उसको आराम आ गया हो, उसकी सेहतयाबी हो गई हो। तो आज हम एक फार्म पर मौजूद हैं, आए आपको लेके चलते हैं एक गाय की तरफ जिसको लंपी वायरस से निजात हासिल हुई है। उसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ये गाय है, इस पर आप देख रहे होंगे वो निशान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है। इसके लिए जो जो ट्रीटमेंट हुआ है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि यहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो इस्तेमाल की गई हैं, यहाँ पर स्प्रे किया गया है। स्प्रे कोई भी आप एंटीसेप्टिक स्प्रे होता है वो इस्तेमाल कर लें, और सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे अभी भी सफाई जा रही है, और इसको बाकी जानवरों से अलहदा रखा गया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसके और जानने की बुनियाद पर मिलाया जा रहा है डिटोल के इस्तेमाल के साथ। और इसको आराम आने के लिए जो जो मेडिसिन इस्तेमाल की गई है वो हम आपको बता देते हैं। इसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल की, एविल और एविल का इस्तेमाल किया गया है, और एंटीबायोटिक जो है आरसी का इस्तेमाल किया गया है। और इसको सफाई के लिए जो है डिटोल का कसर से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके जिस्म पे जो पहले काफ़ी हद तक जो निशान थे, जो लंपी वायरस की जो दाने मौजूद थे, वो आराम आ चुका है, और काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आई है। और ये इसके गोश्त में भी काफ़ी हद तक बेहतरी है। पहले ये लागर हो गया था, लेकिन अब ये काफ़ी मजबूत हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।